हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, और आज वाले व्लॉग में मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक करने जा रही हूँ। दिन बहुत नज़दीक आ रहा है, तो सोचा हॉस्पिटल बैग पैक कर लूँ क्योंकि डिले ना हो जाए। एंड मैं ना बेबी का भी हॉस्पिटल बैग का वीडियो अलग से बनाऊंगी, वो व्लॉग भी आप देखना ज़रूर। अभी मैं अपने खुद के लिए हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ, तो साथ में मिलकर पैक करते हैं। चलो, ये बैग जो दिख रहा है इसमें मेरे पूरे सामान है, तो मैं एक एक करके आपको अच्छे से सारी चीजें दिखाऊंगी। पहला है ये नर्सिंग ब्रा, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो इसमें मैंने 3 पीसेस मंगाए हैं इसके, और ये विदाउट पैडेड है। ये कैसा होता है ना, ये ना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे एक बटन होता है, तो उसे नीचे करना बेबी को फीड करने बहुत इजी है, कंफर्टेबल होता है। तो ये वाला अगर आप प्लान कर रहे हो तो नर्सिंग ब्रा जरूर लेना, वो बहुत कंफर्टेबल होता है। एंड मैंने दूसरा और एक नर्सिंग ब्रा ऑर्डर किया है, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, ये पैडेड वाला नर्सिंग ब्रा है, बिकॉज मैंने सोचा एक पैडेड भी रख लेती हूँ। तीन मैंने विदाउट पैडेड नर्सिंग ब्रा रखा है, एक मैंने पैडेड वाला नर्सिंग ब्रा रखा है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है ब्रा एक्सटेंडर बोलते हैं। एक्चुअली मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, बिकॉज हमारा जो पुराना ब्रा होता है वो हम थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है वो ब्रा हो नहीं पाता हमें। बट अगर आप ये ब्रा एक्सटेंडर यूज़ करते हो ना, तो आपका टाइट वाला ब्रा भी आप इजीली पहन सकते हो। तो मैंने ना एक ब्रा एक्सटेंडर भी ऑर्डर किया था साथ में, तो ये कभी काम आ जाएगा। लेकिन चीज़ मुझे हॉस्पिटल से बोला गया है कि वहाँ से हॉस्पिटल ड्रेस मिलेगा मुझे, बट मैंने फॉर अ सेफर साइड 3-4 नाइट सूट्स लिए हैं। एंड मैंने 2 जो है नाइट सूट, एक्चुअली नाइट सूट नहीं है, कॉट सेट है, बट मैं इसको एज अ नाइट सूट यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये नाइट सूट जैसा ही दिखता है, तो मैं इसको एज अ नाइट सूट यूज़ करूँगी, बिकॉज इसमें कैसा है ना, फ्रंट बटन्स है, तो ये कैसा, ये बटन्स वाला नाइट सूट है। एक्चुअली नाइट सूट नहीं है, मेरा कॉट सेट है, तो बट मैं इसको एज अ नाइट सूट यूज कर सकती हूँ। तो फिर मैं 2 नाइट सूट कैरी कर रही हूँ, ये वाला और एक वो जो ब्लैक वाला आपको मैंने दिखाया था, और ये बटन्स वाला है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बटन्स वाला ही ज्यादा बेटर है, साइड में जिप वाला भी अच्छा होता है, बट उससे अच्छा बटन्स वाला है, ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं 2 नाइट सूट कैरी कर रही हूँ। मैं ज्यादा क्या प्रेफर करती हूँ मैं बताती हूँ, मैं घर पे भी रहती हूँ ना, पवन मुझे ये बोलता है कि नाइटी में रहती है, मुझे नाइटीज पहनना बहुत पसंद है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने ये 3 नाइटी कैरी किया है। आपने मेरे वीडियोस वगैरह में देखा होगा, मैं नाइटीज वगैरह ज्यादा पहनती हूँ। तो ये जो 2 नाइटी है ना, ये फ्रंट बटन वाला है, एंड ये वाला नाइटी जिप वाला है, फ्रंट जिप वाला है। तो फिर मैंने ये 3 नाइटी कैरी किया है। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ही रख रही हूँ सारी चीजें, बाद में अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि इतने सारी चीज तो वहां पर जरूरत नहीं है, बट मैं फॉर अ सेफर साइड लेकर जा रही हूँ। एंड एक मेरा बहुत फेवरेट सा ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इसमें भी फ्रंट बटन्स है, पर सेफर साइड में ये भी कैरी कर रही हूँ कि अगर कभी जरूरत पड़ा। एंड वैसे तो 3 ही दिन हॉस्पिटल में रुकना है, ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना नहीं है। तो और मैंने कैरी किया है ये 3 मैटरनिटी ड्रेस, मैटरनिटी गाउन। ये वाला तो आप लोगों ने मेरे वीडियोज में देखा होगा, इसमें साइड में जिप है, ये वाला मैटरनिटी ड्रेस है, एंड इसमें कैसा है ना, साइड में जिप होता है, बेबी को फीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सी, ये साइड में, दोनों साइड में ऐसे जिप होते हैं। ये तो मेरा पुराना वाला है, मैंने सोचा ये भी कैरी कर लेती हूँ, साइड में ऐसे जिप होते हैं दोनों साइड में, ठीक है। एंड होम कमिंग आउटफिट, बिकॉज बेबी को जब हम घर लेकर आते हैं तो थोड़ा रेडी होकर आते हैं, राइट। तो मैंने होम कमिंग आउटफिट के लिए 2 ऑप्शन रखा है, एक ये ड्रेस है एंड एक ये ड्रेस है। तो ये दोनों ड्रेस साइड जिप वाला है, एंड मेरा हॉस्पिटल जो है वो 1 से 1.5 घंटा दूर है, तो ऑब्वियसली मेरे को जब वहाँ से आना है तो मैटरनिटी ड्रेस ही पहनकर आना रहेगा बेबी को फीड करने के लिए। तो इसलिए मैंने 2 होम कमिंग आउटफिट रखा है, नया ऑर्डर किया था। ड्रेस मैंने खुद के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं ऑर्डर किए, मैंने बहुत सारे पहले से लेके रखे थे कपड़े, वही यूज कर रही थी। एंड बेबी होने के बाद मैं खुद के लिए करूंगी बहुत सारे कपड़े ऑर्डर, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ होम कमिंग के लिए 2 आउटफिट लिया है, वो देखते हैं कौन सा पहनना है, और दोनों अच्छा ही है, मुझे बहुत पसंद है। सेकेंड चीज है, सब लोग बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, पहले के टाइम वाले बोलते हैं कि हमें अपना हेड कवर करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक स्टोल लिया है हेड कवर करने के लिए। एंड इवन मैं कॉटन भी कैरी करूंगी, कॉटन पहले के टाइम वालों को आपने देखा होगा कि कान में कॉटन रखते हैं एंड स्टोल बांधते हैं, तो वो चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि
मैं करूंगी, वो फॉलो डेफिनेटली करूंगी मैं, क्योंकि हवा नहीं जाना चाहिए कान में. तो इसके लिए मैंने एक स्टोल लिया है. एक्चुअली मैं आज गई थी स्टोल लेने के लिए, बट मुझे वहां पे स्टोल नहीं मिला, तो मैंने सिर्फ जो मेरे पास पुराना स्टोल है मैंने वो स्टोल कैरी किया है. एंड देखते आज कल मैं मिलेगा तो मैं ले लूंगी एक और स्टोल. एंड नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है मैटरनिटी पैड, बिकॉज सब बोलते हैं कि बेबी होने के बाद बहुत ब्लीडिंग्स होता है, तो इससे मैंने मैटरनिटी पैड ऑनलाइन ऑर्डर किया है. ये पैंटी पैड है तो ये डिस्पोजेबल है, तो फिर मैं ये भी कैरी कर रही हूँ बिकॉज ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड ब्रेस्ट पैड भी लिया है बिकॉज मेरे को हॉस्पिटल से जो लीज दिया गया था उसमें बोला था कि ब्रेस्ट पैड भी आपको लेना है, तो मैंने ब्रेस्ट पैड भी लिया है बिकॉज लीक होता है, मिल्क लीक होता है, तो उसके लिए ब्रेस्ट पैड की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ब्रेस्ट पैड भी कैरी किया है. एंड मैंने ये हाई वेस्ट पैंटीज लिए हैं, फोर हाई वेस्ट पैंटीज लिए हैं बिकॉज मैंने ये सुना है कि अगर सी सेक्शन होता है, ओके सी सेक्शन होता है तो वो बिकनी एरिया में स्टिचेस लगते हैं, तो अगर हम लो वेस्ट पैंटीज पहनते तो उससे कैसा होता है, स्टिचेस में लगने का चांसेस होता है, पेन होता है, तो इसलिए मैंने हाई वेस्ट पैंटीज लिया है. एंड मैंने ये स्लीपर्स कैरी किए हैं हॉस्पिटल में पहनने के लिए, तो ये भी रख लेती हूँ. मैंने ना मेकअप किट भी अपना कैरी किया है क्योंकि जब ऑपरेशन वगैरह होगा ऑब्वियसली हम मेकअप नहीं कर पाएंगे, बट जब घर पे हम वापस आते रहते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है बेबी को लेकर घर आना, तो फिर मैंने अपना छोटा सा मेकअप किट कैरी किया है. नॉर्मल मेकअप करके आऊँगी मैं घर पे, देखते वो कंडीशन पता नहीं मेरा कैसा होगा, मेकअप करने वाला होगा या नहीं होगा, बट अगर रहेगा तो मैं डेफिनेटली थोड़ा टचअप करूँगी वो स्पेशल मोमेंट के लिए, बट गॉड नोज देखते तब का टाइम क्या है. एंड हॉस्पिटल से लिस्ट दिया है जिसमें उसमें बोला है कि आप सॉक्स भी कैरी करो. सेम मैं सॉक्स लेना भूल गई थी, तो घर में जो पुराना वाला सॉक्स है मैं वो एक मिला मुझे एक पैर, मैंने वो ले लिया है, अभी वो पैक कर रही हूँ. एंड मैं कल या परसों में और थोड़ा एक दो पैर सॉक्स का ले लूँगी. एंड यहाँ से टॉवल भी ले लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहाने के बाद आपको टॉवल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. लास्ट थिंग जो मुझे इसमें पैक करना है वो है टॉयलेट्रीज, जैसे ब्रश हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, जो भी हमारे डेली नीड्स के चीज़ें हैं वो मुझे पैक करना है, बट वो एक दिन पहले मैं पैक करूँगी क्योंकि मेरे को शैम्पू वगैरह रोज़ लगता है, तो फिर मैं वो एक दिन पहले या मॉर्निंग में ही पैक कर लूँगी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मॉम को, बेसिक नीड्स वाली चीज़ें जो मॉम को कैरी करना चाहिए. मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिया है, जैसे बहुत लोग क्या क्या लेते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें नहीं लिया है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही कैरी किया है. तो शायद ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे. एंड मैंने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ, ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया, जो है पुराना वही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. बेबी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज उसके लिए सारी चीज़ें नहीं होगी, उसके लिए न्यू थिंग्स लेना है. मैं खुद के लिए अपना पुराना वाला ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, कुछ चीज़ें नहीं लिए हैं बस. होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे बिकॉज मैं भी कैसा है ना, बहुत टाइम से ना सबका व्लॉग्स देखती हूँ कि क्या हॉस्पिटल बैग पैक करना चाहिए, क्या चीज़ पैक करना चाहिए, एंड मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ ना क्योंकि लोग इतने सारे ऐसे चीज़ें लेकर जाते हैं, एंड मुझे पर्सनली लगता है कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे नीड नहीं होती है. तो मैंने थोड़ी चीज़ें ली हैं, शायद ये भी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने कैरी किया फॉर अ सेफर साइड. एंड हाँ, मैं आपको बताने भूल गई, हॉस्पिटल से जो लिस्ट आया था उसमें ये भी बोला है कि डैड के लिए क्या लेकर जाना है, दिया गया अपने हस्बैंड के लिए, तो वो है उनको डेली जो आउटफिट लगेंगे पहनने के लिए, वो सारी जो नेसेसरी चीज़ें हैं अपने हस्बैंड के लिए भी कैरी कर लेना, क्योंकि उनको भी जितने स्ट्रेस में आप हो उतने ही स्ट्रेस में वो भी है, जितना आप ये मोमेंट का वेट कर रहे हो उतने ही वो भी ये मोमेंट का वेट कर रहे हैं, तो खुद के साथ थोड़ा उनका भी सोचना. मेरा तो बैग पैक हो चुका है, मैं पवन का भी अलग से बैग पैक करूँगी, क्योंकि डेली नीड्स के सामान, टॉयलेट्रीज एंड ब्लैंकेट वगैरह वो सारी चीज़ें मैं अलग से कैरी करूँगी. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बस मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय.